एक यजमान को राम कथा करवाना उस समय महंगा पड़ गया जब कथावाचक का शिष्य यजमान की बीवी को लेकर भाग गया। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी को ढूंढा और उसे पति के साथ रहने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया। वो कथावाचक के शिष्य के साथ रहना चाहती है। शिकायतकर्ता युवक का नाम राहुल तिवारी है। राहुल ने बताया कि उसने 2021 में गौरी शंकर मंदिर में रामकथा का आयोजन किया था, जिसमें कथावाचक धीरेन्द्र आचार्य अपने शिष्य नरोत्तम दास दुबे के साथ रामकथा करने आए थे। वहीं से उसकी पत्नी को शिष्य नरोत्तम ने प्रेम जाल में फंसाया। उसकी पत्नी और नरोत्तम फोन पर घंटों बात करते थे। यह सिलसिला चलता रहा और 5 अप्रैल को नरोत्तम उसकी पत्नी को लेकर भाग गया। राहुल ने बताया कि उसने पुलिस से इस मामले में शिकायत की थी। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी मिली तो उसने राहुल के साथ रहने से मना कर दिया और कथावाचक के शिष्य के साथ रहने को तैयार हो गई। राहुल ने बताया कि उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की थी। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी मिली तो उसने राहुल के साथ रहने से मना कर दिया और कथावाचक के शिष्य के साथ रहने को तैयार हो गई। राहुल ने कहा कि वह चाहता है कि उसकी पत्नी घर से चुराए जेवर उसे वापस करे और उसको तलाक देकर जिसके साथ रहना है रहे। वहीं इस मामले में SP ने कहा कि पत्नी पति से विवाद की वजह से उसके साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। फिर भी पुलिस जांच कर रही है। ये हमारे मंदिर में राम कथा हुई थी 2021 में। जब से हमने दीक्षा ली थी, साथ में हमारी मैडम ने दीक्षा ली थी इनकी, उसके बाद से इनका नंबर वंबर उनने इनका ले लीजिए और उनने इनके दोनों जन की बातचीत चलती रही। अब फिर हमें जानकारी नहीं, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, कब कैसा हुआ। जो अभी 6 तारीख को भागी हैं थाने में, हमने गुमशुदी की 7 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई और 4 तारीख को जे इधर कोतवाली में आ गई। तो हमारे पास मुंशी जी 7:30 पे शॉप हमारी दुकान पे आए, बोले आपकी मैडम मिल गई हैं। तो मैडम बोली हमें तो इनके साथ रहना नहीं है, हमको तो उत्तम दुबे के साथ रहना। हमको ये लग रहा है कि हमको तो रखना नहीं है उनको, लेकिन हमारा तलाक हो जाए उनसे और सब छुटकारा मिले और हमारा सामान लेकर जो वो भागी हैं, मंगलसूत्र है, हार है, बेंदी है, झुमकी है, अंगूठी है, पायल है और बिछिया है और 80,000 रुपये नगद है। हमारा वो सामान दे जाए और उनको उनके साथ रहना खूब रहें और हमको तलाक दे दें। आचार्य उनका चेला एक महिला को लेकर भाग रहा था, सर क्या है सर? एक ये महिला कोतवाली क्षेत्र से गई थी, विवाहिता है और बालिग है, जिसका गोमिंदसान थाना कोतवाली में दर्ज किया गया था और इस महिला की दस्तियाब भी हो गई है। उसके SDM के समक्ष बयान भी करा दिए गए हैं। महिला उसका पति परेशान करता था, इस कारण वह घर से चली गई है और उसके बयानों के आधार पे महिला की दस्तयाबी हो गई है और फिलहाल इस पर अभी कोई कॉग्निजेबल अपराध नहीं बन रहा है। फिर भी इसमें अभी हमारी जांच जारी है और यदि कोई संज्ञेय अपराध बनेगा तो उस पर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।